जिसको हेटर्स मिले ना उसको भगवान का शुक्रिया अदा बोलना चाहिए, थैंक यू भगवान मुझे हेटर्स दिया लाइफ में। अबे हेटर्स को हेट करने दो यार, उसका काम ही ये करना, उसको हेट करने ही दो, क्यों हेट करते हैं बताए आपको हा? आप जहां पे हो ना वो लोग वहां पे पहुंचे नहीं है इसलिए आपको हेट कर रहे हैं, और वो रियल में आपको हेट नहीं करता, वो रियल में अपने आप को हेट करता है, वो अपनी बड़ा से ना वो आपके ऊपर निकालता है, तो करने दो उसको हेट करने दो, उसका काम ही वो करता रहेगा, करने दो। अगर आपके 15 हेटर है ना भगवान से मांगो 30 दे मुझे, हाँ 15 से कुछ नहीं होगा 30 दे तो ही कुछ होगा, 20 होना तो 40 मांगो। तो हेटर होने ही चाहिए लाइफ में, जितने ज्यादा हेटर्स उतनी सफलता ज्यादा मिलेगी, क्योंकि वो लोग हेट करते रहेंगे आप वो आगे बढ़ते रहोगे, उतना ही है सिंपल सा फंडा। आपने कुछ पहन लिया हेट करेंगे, अबे तेरे बाप का क्या जाता है, मैं पहनूं जैसा मुझे पसंद है वो पहनूं, हाँ तुझे क्या है, तो उसको हेट करने दो, सीरियस मत लो, सीरियस लोगे ना तो वो उसको ही फायदा है। तो मैं आपसे पूछता हूँ आपके हेटर्स है ना, हाँ तो सही ट्रैक पे हो, सही ट्रैक पे जा रहे हो, भागो, कोई चीज़ कर रहे हो आपको पसंद है दिल से अच्छा लग रहा है तो करते रहो, माफ रहने जैसे किसी को पसंद आए ना आप करते रहो बिंदास, हाँ आगे आओगे एक दिन, और उनको जो बोलने वो बोलने दो, रिएक्शन में ना कोई गाली नहीं देनी हमको, मुँह से एक वर्ड भी नहीं निकालना, सिर्फ क्या करना है तरस खाना है, कोई बात नहीं जरा इतना ट्राई कर रहा है फिर भी कुछ घंटा भी उखाड़ नहीं पा रहा, तरस खानी है सिर्फ, शांति से तरस खा लो, हाँ करता रहे तू लगा रहे, तेरे को जो करना है करता रहे, हाँ तेरा काम ही वो है, तू उससे आगे बढ़ेगा ही नहीं। और आपकी मम्मी ने नहीं ये बोला कि वो सुअर लोग के साथ लड़ाई नहीं करनी चाहिए, वो लोग ना कीचड़ में रहते हैं, हम डिशुम डिशुम करने गए तो हम भी गंदे हो जाएंगे, हाँ तो गंदा नहीं होना, तो उनको कीचड़ में रहना है तो उसको रहने दो कीचड़ में, अच्छा है गंदगी नहीं फैलाएंगे, तो जो करते वो करते रहो, हेटर्स को अपना जॉब करने दो और आप अपना करो, दैट्स इट, अच्छा लगा है लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, हो गया।